दोस्तों, कई सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपने हेडफोन जैक को निकाल देते हैं अपने स्मार्टफोन से, तब भी इनका साइन आते रहता है और इस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका कारण क्या है या कैसे होता है और हम खुद से ही इसे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना रिपेयरिंग किए, बिना खोले, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हे गाइस, टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे दोस्तों, आप जानते होंगे कि अगर कोई हेडफोन जैक हो तो ऑडियो के लिए आप में इसमें माइक्रोफोन के लिए अलग है, ऑडियो लेफ्ट के लिए अलग है, राइट के लिए अलग है, सबके अलग अलग सेक्शन है। और जब आप इसे स्मार्टफोन में इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे कई सारे टचेस होते हैं जिसके थ्रू यह काम कर पाता है ठीक ठाक। लेकिन अगर क्या हो, अगर जिसे आप स्मार्टफोन में जहाँ पे आप इसे इंसर्ट करते हैं उस जगह पे कोई कचरा जम जाए या तो फिर उसके अंदर पानी की छींटे चली जाए, तो क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, कचरा चला जाए या तो फिर उसमें कोई पिन टूट जाए या तो फिर पानी चला जाए, तो वो हार्डवेयर क्या समझता है कि हार्डवेयर समझता है कि हाँ, मेरे पास अभी भी यहाँ पे हेडफोन ऑडियो जैक जो है वो प्लेस किया हुआ है और ये आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन बार में दिखाता रहता है। तो आप कोई अगर ऑडियो वीडियो प्ले करते हैं तो इसमें साउंड बाहर नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, इसे सिंपली अपने से क्लीन करना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे कुछ रुई लेकर आपको सिंपली इसे साफ़ करना है। अगर ऐसा कुछ साइन आ रहा है तो अगर इस रुई से अगर क्लीन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप इसे पिन से भी कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें फंसा हो तो आप इसे इस तरह से पिन से बाहर निकाल दीजिए और अगर पिन से बाहर निकालने तक ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर पानी गया होगा इसके अंदर तो आपको सिंपली इसे धूप में सुखाना है। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने भी कई सारे फ़ोन को ठीक किए हैं इसी तरह से, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आपको धूप में सुखा देना है, अगर धूप में सुखाने के बाद रिमूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तब आपको इसको रिपेयरिंग के लिए देना है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा किस कारण से होता है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही वीडियोज़ को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।